A very good morning to all the students, and you know very well from 16 August our new batches for class 11th commerce stream will be started. So in the first video, you know very well of the class 11th accountancy, we discussed some of the important basic accounting terms in PDF form, and now from 18 August let's be discuss each and every topic of accountancy through with the help of PDF as well as with the help of the board. So in today's video, firstly we introduce the new chapter, the new subject jise aap class 10 tak kuch bhi nahi jante the. You are equals to the zero knowledge of the accountancy. So in the class 11 आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया एंड यू विल गेट द थ्री सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, दैट इज इन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. सो इन द क्लास 11 के अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें, सो इट इज अ वेरी बेसिक अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज जस्ट लाइक अ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बांग्ला. सो अकाउंटेंसी का मतलब इट इज अ लैंग्वेज जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, तो उसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करें, प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्टिव से करें, ताकि उस बेसिस ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर डिसीजन ले सकें. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ accountancy for class 11th student. The meaning of accountancy का मतलब एक ऐसा knowledge, एक ऐसा area, एक ऐसा set of practices, set of rules जिसमें हम ये जानते हैं कि एक organizations में जो भी transactions हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उनको हम क्या करें, record करें और उनसे information generate करें. बहुत सारे students में इस चीज का confusion होगा कि सर एक नया chapter है, इस chapter में हम करते क्या है. बेसिकली इस चैप्टर में हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट में, चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे सब्जेक्ट में यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. व्हाट आर द सीक्वेंस? आपने कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस मतलब कोई भी एक्टिविटी विच आर डन बाई ह्यूमन बींग फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रॉफिट. हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें मेरा एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, विच इज कॉल्ड बिजनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन टू और मोर देन टू पीपल वर्किंग टूगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल. जब दो लोग मिलकर चल रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या हो गया कि दो से अधिक लोगों का ग्रुप, व्हेन टू और मोर देन टू पीपल वर्किंग टूगेदर फॉर अचीविंग अ प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट मोटिव, इट इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगा? तो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने एक शॉप ओपन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि अब वो शॉप किस चीज की थी. मान लीजिए मैंने ओपन किया बुक स्टोर, तो बुक स्टोर मैंने ओपन किया, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर कराऊंगा और उसका कॉस्ट बियर करूंगा. कॉस्ट मतलब जानते हैं कि ये बुक मैंने ऑर्डर की और बुक लेकर आए, क्या उसी प्राइस में मैं अपने कस्टमर को बुक को भेज दूंगा? नहीं सर. तो ये जो सारी चीजें हो रही है वो क्या हो रही है? ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन बाय द बुक सेलर विद द सप्लायर एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन द बुक सेलर एंड कस्टमर. ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती है. यस सर, ट्रांजेक्शन हुए और एक दिन में कई ट्रांजेक्शन होते हैं. आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने घर के आसपास जनरल स्टोर्स को देख लीजिए. वहां क्या होते हैं? कभी आप जाते हैं सामान खरीदते हैं, कभी आपके पड़ोस वाले, कभी आपका फ्रेंड. तो उस दुकान वाले के हिसाब से सोचिए, वो डेली क्या कर रहा है, पर डे क्या कर रहा है, 10-15-20 ट्रांजेक्शंस कर रहा है. तो इसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं. गुड्स को खरीदना बेचना, इस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें हमारा इकोनॉमिक स्टेट इफेक्ट हो. मेरे पास से मार्केट जाए, आपके पास से पैसा है, यही तो मनी सिस्टम है. पहले तो बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम में ट्रांजेक्शन कैसे होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स.
एक गुड्स लीजिए दूसरा गुड्स दीजिए, ठीक है, गॉट इट। जैसे मेरे पास ईयरफोन है, मैंने आपको ईयरफोन दे दिया और आपसे क्या ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन अब न्यू सिस्टम में मनी जब तक हमारे देश में अप्लाई हो गई है, यू नो वेरी वेल, तो वहां पर क्या हो गया है, अब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेट चेंज होता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक स्टेट चेंज होता है, एक के पास से पैसा जाता है और दूसरे के पास पैसा आता है, एक के पास कोई गुड्स या कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी जाती है और दूसरे के पास आती है, यही तो रूल है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या होंगे, ढेर सारे होंगे, तो इन ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे, एक रफ बुक होगी जिसे हम वेस्ट बुक कहते हैं, यानी ट्रांजेक्शन जो होते हैं सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं, रफ बुक में, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं होती, और ये रिकॉर्ड होती है किस लैंग्वेज में, इन लोकल लैंग्वेज में। ये सर लोकल लैंग्वेज क्या है, मैंने शुरुआत में बोला अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे सपोज मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट में कहा, मार्केट गया सब्जी लेकर आया घर पे, ठीक है घर पे आया, तो मम्मी को मैं क्या बोलूंगा, मम्मी को ये बोलूंगा कि मैंने 100 रुपए का ये सब्जी ली, 200 रुपए की ये सब्जी ली, 50 रुपए की ये सब्जी ली। तो मैंने जो ट्रांजेक्शन किया मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में बताया, थोड़ा मैं हाई फाई फैमिली का तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा कि मैंने वेजिटेबल लिया ऑफ ₹100, ये वेजिटेबल लिया ऑफ ₹200, ये बोलूंगा। उर्दू जानता हूं तो उर्दू में बताऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड वेस्ट बुक, मतलब ऐसा नहीं कि रिटेन में ही रहे, आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे रफली फॉर्म में कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या मैंने ये सामान बेचा अपने लोकल लैंग्वेज में। फिर अब यहीं से हम क्या करते हैं, अब हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना यहीं से स्टार्ट करता है जर्नल में, यानी जर्नल वो बुक है जहां पर हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज अ बुक, एक ऐसा बुक जहां पे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है। इन विच लैंग्वेज, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, यानी यहां पर हम ये नहीं बताते हैं लिख दिया क्लाइंट, नहीं, यहां पर हम जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में। जैसे हिंदी के लिए यू नो वेरी वेल हम लोग अ आ ई ई क ख ग घ सीखते हैं, उसी तरह मैथ्स की लैंग्वेज 0, 1, 2 से लेकर 10 तक होती है, 9 तक होती है, उसमें एक्सप्रेस करते हैं लोगों का कहना है, और भी एल्जेब्रिक है, ज्योमेट्रिक है, सारी चीजें हैं। और अब इंग्लिश की बात करें, A to Z के फॉर्म में चीजें होती है, वैसे ही अकाउंट्स में जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट होता है। आप जैसे सब्जी खरीद के लेकर आए, वेजिटेबल खरीद के लाए, तो क्या करेंगे, घर में बताएंगे वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले तो आपको ही नहीं समझ में आएगा कि अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं, मैंने तो बोल दिया वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये क्या है, इसमें हम किसी एक को डेबिट कर रहे हैं और किसी दूसरे को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट होगा, जो अकाउंट्स जानता होगा, वो जानता होगा मैं क्या कह रहा हूं। वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब ये हुआ कि वेजिटेबल आया और पैसा गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने किसी को सैलरी पे की और मेरे पास से कैश किया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग लैंग्वेज। और अकाउंटिंग लैंग्वेज हम कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द जनरल, यानी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी रिकॉर्ड इन द जनरल। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, यानी जनरल इज अ बुक, बुक ऑफ प्राइमरी, जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल जो होता है जनरली कहां बनता है, जहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा छोटा, लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे एक दिन में कई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां हम जनरल नहीं प्रिपेयर करते, वहां हम उसी के पैरेलल में क्या प्रिपेयर करते हैं, सब्सिडियरी बुक। ठीक है, बन गया सर, हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल के बाद बनाते हैं लेजर। लेजर क्या होता है सर, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये क्या था, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग क्या करते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, इसको हम समराइजेशन स्टेट भी कहते हैं। समराइजेशन स्टेट का मतलब जहां पे हम सारे ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं। अभी हम चीजों को और डीपली में आपको बताएंगे कि इनको हम लोग बेसिकली कहते क्या, इनको हम लोग जितना
स्टेटस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बनाना। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग स्टेज। और जर्नल से लेजर बनाना, लेजर मतलब बुक ऑफ फाइनल एंट्री बनाना, ठीक है, लेजर प्रिपेयर करना, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन स्टेज, जहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बुक हमारे बिजनेस में है उनको डिफरेंट हेड्स में बांटना, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग समराइज करते हैं एक जगह, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग इतना नौटंकी कर क्यों रहे हैं, सॉरी मतलब इतना हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर ये बता सकें कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है। यानी अगर आप साल भर मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आपसे कोई पूछे बताओ साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें पहले रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समरी बनाते हैं, एंड समरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम ये पता सकते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारे बिजनेस की इन पोजिशन कैसा है। सो ये इसलिए मैंने आपको अभी बताया क्योंकि आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले पता चलना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। इसका बेसिक एम है जो भी ट्रांजेक्शन हमारे एरिया में हो रहे हैं, हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए कई स्टेप्स बनाए गए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ताकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर ये डिटरमाइन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि हमारी प्रॉफिट कितनी थी, लॉस कितना था, इनकम क्या था, एक्सपेंस क्या था, कितना कैश आया, कितना कैश गया, हमने कितनी इनकम कमाई, कितना हमारे लिए रेवेन्यू हुआ, कितना हमारा लॉस हुआ, कितना हमारा गेन हुआ, इतने सारे टर्म है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, ये सब चीजें पता करना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अभी हम लोग आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द एक्चुअल थिंग, क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का, क्या मतलब होता है अकाउंटेंसी का, और क्या मतलब होता है बुककीपिंग का, ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम अपनी कॉपीज में बना लीजिए ताकि आप क्या कर सकें, समझ सकें कि इन फ्यूचर आपको क्या क्या पढ़ना है इस पूरे सिलेबस में। So after discussing the whole accounting process, and you can see that there are various steps were followed in the accounting process: identification, recording, classifying, summarization, and thereafter interpretation and communication. So now let's we discuss the first topic of the first chapter, and the first name of the first chapter will be of introduction to accounting. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के डिफरेंट बेसिस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है बुक कीपिंग। द फर्स्ट टर्म इज बुक कीपिंग। नाम से क्लियर है, एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसी आर्ट जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी बुक मेंटेन करते हैं। नाम से ही क्लियर है, बुक कीपिंग मतलब बुक मेंटेन करना, बुक प्रेजेंट करना। सो वॉट इज द बुक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग of recording in the books of account, in the books of accounts, the monetary
एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग बुक कीपिंग जैसे मैंने बताया कि बुक मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना विच इज नोन एज इन बुक कीपिंग सो बुक कीपिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं रिकॉर्ड करते हैं किसमें रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं द मोनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मोनिटरी एस्पेक्ट जो भी बिजनेस में कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनके सिर्फ मोनिटरी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो फिर से ध्यान समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं मतलब चीजों को लिखते हैं किनको लिखते हैं कहां लिखते हैं तो पता चल गया अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो भी कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके मॉनेटरी एस्पेक्ट को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं सॉरी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते किसी की ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी स्ट्राइक लॉकआउट थेफ्ट इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हम किन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी इजली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक ऑफ अकाउंट को क्या करना मेंटेन करना विच इज नोन एज बुक कीपिंग तो ये पहली डेफिनेशन होगी बुक कीपिंग दूसरी डेफिनेशन है इसी से आगे थोड़ा बढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग विच इज नोन एज अकाउंटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एक स्टेप आगे बढ़ जाइए बुक कीपिंग से बुक कीपिंग का मतलब बेसिकली क्या था कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके फाइनेंशियल नेचर्स को उनके मॉनेटरी नेचर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर यानी बुक मेंटेन कर अब उस बुक से यानी वो ट्रांजेक्शन जिसको आपने रिकॉर्ड किया है एक बुक मेंटेन किए उससे क्या करना इंटरप्रेट करना सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन related to an organization यानी कि अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा सा बुक कीपिंग से ज्यादा है बुक कीपिंग में सिर्फ हम बुक्स को मेंटेन करते हैं जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम आइडेंटिफाइंग करते हैं पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है उसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना यहां पे एक टर्म छूट गया रिकॉर्डिंग यानी
अकाउंटिंग का मतलब है आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, देर आफ्टर उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना और उससे इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना एंड फाइनली उसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, ठीक है, लिखा है ना, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसे करना, रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, सो दिस इज एन अकाउंटेंट। अब हम लोग बात करते हैं, थर्ड इज अकाउंटेंसी। तीनों टर्म बहुत ही मिलते जुलते हैं बट ये तीनों चीजें एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग के साथ साथ डाटा को क्या करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना टू द रिलेटेड यूजर्स। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है बेसिकली एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी। अकाउंटिंग मीन्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टडी करना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें अगर हम और पॉइंट ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी एक वर्ड है हाउ, यानी अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें बुक कीपिंग करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है, हाउ कैसे करेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, कैसे हम चीजों को ट्रैक आउट करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को सीखना, विच इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग के साथ साथ ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो हम अकाउंटिंग में सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, हाउ, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सब क्वेश्चन मार्क का आंसर जो देता है, क्वेश्चन मार्क का आंसर देता है वो है अकाउंटेंसी। नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो आफ्टर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 18th अगस्त, दैट इज एन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इन थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग। द न्यू टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉट इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यू नो वेरी वेल, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एंड रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई के बाद समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आफ्टर इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये किस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बेसिस पे, कि हम किस तरह से अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अपनी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, डाटाज हैं, इसको हम दूसरे रिलेटेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करें। सो व्हाट इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब
ट्रांजेक्शंस को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने के बाद, ये फाइंड आउट करने के बाद कि हमारी इनकम क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारी इनकम क्यों ऐसी है, हमारा पोजीशन ऐसा क्यों है, ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद हम उस सारी चीजों को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द रिलेटेड पार्टीज, एंड दिस इज विल बी रिलेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं वो किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को। किसके यूजर्स को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो याद रख लीजिएगा दिमाग में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दो तरह के यूजर्स होते हैं जिन जो जो कि क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका इंटरनल यूजर्स, सेकंड है आपका एक्सटर्नल यूजर। सो इंटरनल यूजर्स का मतलब है जो कि इंटरनल होते हैं, बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट से, इंटरनल पार्टी से रिलेट करते हैं, उन्हें इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, ओनर्स मैनेजमेंट एंड इसमें आते हैं आपके एम्प्लॉय। ये जो तीनों पर्सन हैं ये बिजनेस में इंटरनली रूप से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन को इंटरनली क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एंड इसके बाद जो एक्सटर्नल आते हैं, जो एक्सटर्नली क्या करते हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन, कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें, सबसे छोटी सी बात कहें, तो कंपनी से रिलेटेड सबसे छोटी डिसीजन कौन लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है बाहर से, वो है इन्वेस्टर्स, जो कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स के साथ कस्टमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, बिजनेस पे एक्सटर्नली रूप से रिलेट करते हैं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने डिसीजन के लिए यूज करते हैं। यानी बेसिकली हम ये जो इंफॉर्मेशन है, जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, इसको कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो उसके रिलेटेड पार्टीज हैं वो बिजनेस से रिलेटेड सिग्निफिकेंट डिसीजन ले सके, यानी इस कम्युनिकेशन का बेसिकली जो एम है वो है डिसीजन लेके। जैसे ओनर्स क्या डिसीजन लेंगे विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमें फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, एक्सपेंस कम हो, लायबिलिटी कम हो, एसेट्स बढ़े। मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए फॉर द फ्यूचर पीरियड। एम्प्लॉय ये डिसाइड करता है कि हमें इस कंपनी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टर्स ये ध्यान रखता है कि हमें फ्यूचर में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेंडर्स मतलब जो लोन देते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी कंपनी की सिचुएशंस को देख के क्या करते हैं, कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर की कस्टमर भी कहीं ना कहीं कंपनी की पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ही उनके प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि आप ये डिसाइड करें कि कैसे आप उस कंपनी से जुड़े रहेंगे। अगर किसी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, इनकम अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है, तो आप उससे जुड़े रहते हैं, नहीं अच्छी तो आप उससे जुड़े नहीं रहते। वैसे ही सप्लायर है, सप्लायर ये भी चेक करता है कि उस कंपनी को वो रेगुलर सप्लाई करे या ना करे,
गवर्नमेंट ये देखता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि वो कंपनी रेगुलर रेगुलर टैक्स कस्टम ड्यूटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी टैक्सेस पे कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई इमोरल तरीका तो नहीं अपना रही, मतलब कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे देश के नेम फेम के साथ कमी आए। सो दिस इज एन शॉर्ट एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके सो प्लीज नोट डाउन।